यूपी से गायत्री जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार हसीन साहब। गायत्री जी स्वागत है आपका। मेरा प्रश्न 3-4 है जी। हाँ, एक मेरे रिश्तेदार हैं 60 साल से, वो बेड पर लेते हैं, उनसे मतलब कमर इतना पकड़ लिया है कि वो उठा नहीं जा रहा है, उनसे डोला नहीं जा रहा है। और एक और रिश्तेदार हैं, उनके माने लड़का है, उसकी लंबाई बढ़ नहीं गई है, वो शर्म को मारा वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसके लिए बताइए। दोनों की उम्र बताइए, दोनों की उम्र बताइए, जो भी मरीज बताए। तो वो 60 साल के हैं और लड़का है 16-17 साल का जी। तो बहुत बहुत कद का बहुत छोटा है। ठीक है, और कोई सवाल? बस इतना ही। ठीक है मैम। तो देखिए, सबसे पहले उन बुजुर्ग के बारे में बात करेंगे जो मेरी हम उम्र हैं। गौन स्याह खरीदें, असली, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद मलाई में मिला के दे दें, या घी में मिला के दे दें। गौन स्याह आधा ग्राम असली, नकली नहीं, और आधा ग्राम रात को खाने के बाद, और बाद में पानी पिला दें या कम चर्बी का दूध पिला दें। ये आप रोज़ाना 2 बार आधा आधा ग्राम दें, इन बुज़ुर्ग के लिए फ़ायदा होना मुमकिन है। और ये बच्चा जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, अभी गुंजाइश तो है, भगवान से मदद मांगे। गौन मोरिंगा सफ़ेद, ये भी असली लेना ज़रूरी, नकली भी मिलता है, सफ़ेद वाला लें। गौन मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम रोज़ाना एक नारियल पानी के साथ इन्हें दिया करें, और शर्माएं नहीं, मुकाबला करें, अभी गुंजाइश है। अपनी पैमाइश कर लें, मतलब नाप लें अपना कद, लिख के रख लें, और फिर 2-3 महीने बाद फिर उसको नापें। अगर उसमें ज़रा सा भी फ़र्क आने लगे तो समझ लीजिए आप लंबे समय तक खाने से आपको फ़ायदा मुमकिन है जी। भोपाल से हैं अगले कॉलर, स्वागत है आपका। मैडम नमस्ते जी। नमस्कार सर। नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है भाई आपका। जैसे मिसेस गीता तिवारी अपनी है, कौन सी आ खा रही है। मैडम दो तीन सवाल है मेरे, लिख लो आज जी। पहला सवाल ये है कि कौन सी खा रही है, उसके साथ में अश्वगंधा और अलसी भी खा रही है उसको तेज करने के लिए। ठीक है, तबीयत कैसी है, कब से ले रहे? तबीयत तो 2.5 महीना हो गया, अभी ज्यादा 30% करी। ठीक, और उनका पेशाब तो बंद हो गया, 1.5 महीना वो दवाई खाए इलाज बनती है, अब उसको बोल रही है अब मना कर दूं नहीं खाऊं, उसकी जगह जैतून का सिरका ले सकती है क्या? जी जी ले सकती है, और बताइए। बस यही है सवाल, बाकी तो हमने किया था कि हम भी खा सकते हैं इसको। ठीक जी। इसमें उन्नाव भी मिला लें क्या? हाँ, उन्नाव मिला लें, गुठली निकाल देना उन्नाव की, और आप भी ले सकते हैं, और कम फायदा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, किसी किसी को देर से फायदा होता है, किसी को अच्छे से, लेकिन 30-35% फायदा है तो इसी पर भगवान का शुक्र करें। कभी कभी हम शुक्र कम करते हैं तो ये ख़त्म होते होते आपकी पत्नी को सेहतमंद हो जाना चाहिए। लेकिन अगर वो मेरी बातों पर भी अमल कर रहे हैं, जैसे वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करने को मैंने कहा, वो ज़रूर करें, और झाड़ू पोंछा ना करें ज़मीन में बैठ के। तो इलाज के दौरान थोड़ी कम मेहनत कर लें, वज़न ना उठाएं, ये ग्रामीण लोग हैं आप, कुछ ना कुछ मेहनत का काम ऐसे कर डालते हैं जैसे कोई बात ही नहीं। तो कुछ दिन ना करें, किसी कोई वजह है जो कम फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मुकम्मल फ़ायदा होना मुमकिन है। आप पेशाब को भी फ़ायदा हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, और सिरका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल।
तो सर सभी सवालों के जवाब आप तक पहुंचा दिए हैं हकीम साहब ने, और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं और हमेशा ही बताते हैं कि आपको और आपकी फैमिली को कितना ज़्यादा लाभ मिल रहा है, कितना प्रतिशत लाभ मिल रहा है उन नुस्खों को अपना के जो हकीम साहब ने आपको बताए थे। दर्शकों, अगर आप लोगों की कॉल कार्यक्रम में नहीं लग पाती है तो आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं, आपकी बात होती है हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स की पूरी टीम से। और इसी के साथ आप लोग हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से, फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। आप लोग YouTube पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जो नुस्खे यहाँ पे नहीं समझ पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, कई बार क्या होता है दर्शक कॉल तो कर लेते हैं और टीवी का वॉल्यूम इतना तेज कर लेते हैं कि उनकी बात अच्छे से नहीं हो पाती है, अपने सवाल कर लेते हैं लेकिन सुन नहीं पाते हैं। तो आप लोगों की सुविधा के लिए सारी वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं हकीम साहब के यूट्यूब चैनल पे। आप लोग एक नहीं, दो नहीं, ना जाने कितने सारे नुस्खे आप लोग जानेंगे अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, और इसी के साथ असली नकली में पहचान कर सकते हैं, ठगी के शिकार से बच सकते हैं। मार्केट में कोई भी रॉ मटेरियल दिखता है जो हकीम साहब बताते हैं तो असली नकली में पहचान ज़रूर कर लीजिएगा, वरना देखिए आपको लाभ तो मिलेगा नहीं, आपको नुकसान हो सकता है। साइड इफ़ेक्ट से अगर आप लोग बचना चाहते हैं तो पहचान करके ही आप लोग रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कीजिएगा। एक एक नुस्खे को लिख लीजिए, समझ लीजिए, उसी के बाद अपनाइएगा। इसी के साथ अगले कॉलर हैं, बात कर लेते हैं। स्वागत है आपका ऋतु जी। Hello. स्वागत है आपका। हेलो हेलो जी जी, नमस्कार नमस्कार। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी आज कॉल लगी है, खुदा का शुक्र मेरी कॉल लगे, और भाई जान को मेरा नमस्कार बोलिए, आपको भी मेरा बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, स्वागत 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 आप। मेरे को समझ नहीं आ रहा कुछ भी, गुटुक बुलाना ऑन कर दो मुझे। हकीम साहब, मैंने आपका गौन मोरिंगा लिया था बालों के लिए, और मेरे को विद इन वन मंथ जो है बाल आ गए मेरे सिर पे। बहुत खुशी है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और एक्सरसाइज से मेरा जो ये गर्दन का दर्द और बाजू का दर्द था वो भी बिल्कुल ठीक हो गया है, और थोड़ी बहुत मुझे अब प्रॉब्लम पी के कैप्सूल लिए हैं स्टमक की, और यूरिन मुझे बार बार जाना पड़ता है, उसकी प्रॉब्लम है। और मेरे हस्बैंड की थोड़ी प्रॉब्लम है, उनको जो है साइनस की प्रॉब्लम है, और मैं चाहती हूँ, मैं पूछना चाह रही थी कि मैंने वो मंगवाया था जैतून का सिरका, वो फार्मूला उनको दे सकती हूँ जो लहसुन अदरक और नींबू का है? उनको साइनस की काफी प्रॉब्लम है, काफी टाइम पुरानी। और उन हेलो जी, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलती रहिए। अच्छा, उनको उनको जो है स्टंट, एक स्टंट भी डला हुआ है, और बीपी उनका हाई रहता है, और पैरों में भी स्वेलिंग रहती है उनकी, और ये सब प्रॉब्लम है। और मेरे ब्रदर को ना पार्किंसन की प्रॉब्लम है, और हकीम साहब उसको दवाई दी थी एच केयर और एस केयर, एच केयर से उसको चक्कर आने शुरू हो गए तो वो अभी बंद कर दिया, उसके बारे में भी प्लीज बता दीजिएगा। ठीक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, और बहुत प्रसन्न हूँ मैं, भगवान ने आपके बाल दोबारा उगा दिए। मेरा तो मामूली मशवरा है, आपका भरोसा और भगवान की मदद काम करती है। और मैं कहता हूँ कि जिसको भी, जो मैं रॉ मटेरियल बताता हूँ, जिसको भी असली मिले उसको भगवान की मदद आती है, नकली मिलेगा मैं जिम्मेदार नहीं है, ना मैं कोई दावा करता, इधर रॉ मटेरियल हैं, असली लेना ज़रूरी है। तो मेरा भी विश्वास आप पर कायम हुआ, और ये नुस्खे आपसे एक अनुरोध करता हूँ मैं, जिनको भी फ़ायदा होता है कि ये नुस्खे अपने तक ना रखें, जिससे भी फ़ायदा हो फैला दें अपने आसपास। हर आदमी के 50-100 रिश्तेदार होते हैं, और हर घर में प्रॉब्लम है और वो जूझ रहा है, उससे परेशान है, तो ये अपने तक बिल्कुल ना रखें। इसकी पहचान आपको हो गई, असली कैसा होता है, सब बातें समझा कर लोगों को का इलाज करें, उनको रोग मुक्त करें, ये मेरा आपसे अनुरोध है, आप माने ना माने ये आपकी मर्जी। अच्छा, देखिए साइनस के मरीज़ को ये ना दें सिरके वाला नुस्खा, तो उनको मैं दूसरा नुस्खा बताता हूँ। एक तो वो माजून आर केयर आती है, या तो वो दें, या वो नुस्खा मैं बताता हूँ।
ये आता है ना, सपिस्तान उन्नाव अलसी, 100-100 ग्राम खरीदें, उन्नाव की गुठली निकाल दें और ये 100-100 ग्राम लें, और पीपला मूल कहते हैं हिंदी में, पीपले भी कहते हैं, जो किचन के गरम मसालों में होती है, वो 30 ग्राम लें, बाकी चीज़ें 100-100 ग्राम, इनको खूब बारीक पाउडर बना लें, थोड़ा मोटा भी रहेगा तो कोई बात नहीं, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, नाश्ते के बाद, नाश्ते से पहले और सुबह, निहार मुझे से कहते हैं, और रात को खाने के बाद गर्म पानी से दें, खट्टी चीज़ें बंद कर दें। देखिए साइनस के मरीज़ को खट्टी चीज़ नहीं चलती है, तो खट्टी चीज़ों से बचाएं और उनकी दवाइयां भी दें उन्हें, एकदम न रोकें, और ये 5-6 महीने 7 महीने नुस्खा लेना है इनको, और ठंडी और खट्टी चीज़ों से बचना है। और एक आता है ये कौन, चिलगोज़ा, एक चुटकी रोज़ाना खा लिया करें, एक चुटकी खाने का सोडा 2 गिलास पानी मिलाएं और ये पानी पी लिया करें, आपके हस्बैंड के लिए उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, पार्किंसन की प्रॉब्लम है ब्रदर को? हाँ, ब्रदर को देखिए वैसे चक्कर तो नहीं आते उससे, लेकिन अगर चक्कर आते हैं तो ये एक्सरसाइज करें, है ना, ये 3 मिनट, जैसे आपने एक्सरसाइज की ना और आपकी तकलीफ चली गई, तो चक्कर हो या सर दर्द हो, इस एक्सरसाइज से लोगों को ठीक होते हुए देखा और आपने भी फ़ायदा उठाया जी, तो वही एक्सरसाइज आप उन्हें बताएं। और पार्किंसन में थोड़ा सब्र ज़्यादा, संयम ज़्यादा चाहिए, और वो दवाएं तो लें, और मूंग की दाल खूब खाया करें, मूंग की दाल खिचड़ी, मूंग की दाल का हलवा, मूंग की दाल भुनी हुई, इस तरह से, और एक्सरसाइज ज़रूर करें, जो आप करने की है वो उनसे भी कहें कि एक्सरसाइज करें। गुड़गांव से हैं अर्चना जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, जी सर, नमस्कार मैडम जी, नमस्कार सर, जय हिंद, गुरु जी से बात करानी थी। जी गुरु तो नहीं हूँ मैं, तो मामूली सा आदमी हूँ, बताइए क्या सवाल है। जी बताइए क्या सवाल है। सवाल ये है जी, मेरे को बीपी रहता है। बीपी रहता है जी, बीपी। सर उम्र कितनी है आपकी? 52 साल जी। अच्छा देखिए, ब्लड प्रेशर से निजात मिल सकती है, लेकिन 6-7 महीने लगातार अगर आप, एक तो उसका मैं बता रहा हूँ वो लें, तो एक आता है कलौंजी का सिरका, सिरका कलौंजी का, वो ले लें आप, और 2 चम्मच छोटे चाय के चम्मच 1 गिलास पानी में मिला लें, और उसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला दें, मिक्स करें, और सुबह नाश्ते के बाद ये पी लिया करें, और रात को खाने के बाद इसी तरह 2 बार, 2-2 चम्मच या 3-3 चम्मच भी ले सकते हैं कलौंजी का सिरका, असली लें, नकली ना ले लें, नकली भी बहुत मिलते हैं। अगर ये आप 6-7 महीने लगातार इस्तेमाल करें और अपनी दवाएं भी ना छोड़ें एकदम, तो धीरे धीरे आपको फायदा होना मुमकिन है। जी, मध्य प्रदेश से हैं दीपक जी, स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। जी नमस्कार सर। मतलब हमारी मम्मी की भी तबीयत खराब थी, तो आपने दवाई बताई थी, तो उसके बाद मैं नागपुर गया था, तो पेट से संबंधित प्रॉब्लम थी, तो एंडोस्कोपी वगैरह हमने कराया, तो सर उसमें क्या है कि जो वहाँ के डॉक्टर साहब हैं वो कह रहे हैं कि आपकी मम्मी को एसिडिटी बनती है, तो होता ये है सर कि क्या वो खाना खाती हूँ थोड़ा भी, और फल फ्रूट सब खा लेती हूँ, मतलब पेट भर के नहीं खा पाती, थोड़ा सा खाती हूँ, पेट भर गया,
और जैसे खाना दो चार को खाती हूँ तो उनको उल्टी टाइप का मिट्टी टाइप का लगने लगता है। तो हमने इंग्लिश को भी कराए तो उसमें कह रहे हैं कि एसिडिटी बनती है। तो सर मैंने आपका एक प्रोग्राम देखा था, मैं बहुत पहले से देख रहा हूँ, मैं दूसरों की दवाइयाँ भी देता हूँ आपकी, तो उसमें आपने बताया था एलोवेरा का सिरका। तो सर उसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी, एलोवेरा का सिरका आपने बताया था कि जितने भी सिरके होते सब होते खड़े रहे, और हमारी माता जी क्या है कि थोड़ा सा ठंडा वगैरह कुछ खाते तो सर्दी मतलब शीत निजात की है, सर्द निजात की। तो इसमें सर एक चम्मच जैसे दो चम्मच एलोवेरा का सिरका देना है तो दो चम्मच लहसुन का जूस और दो चम्मच अदरक का जूस मिला के दे जाएंगे तो ये प्रॉब्लम ऐसी की चली जाएगी सर, खाना भी हजम नहीं होता, भूख भी नहीं लगती। ठीक ठीक। तो देखिए आप दूसरों को नुस्खे देते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको खट्टी और ठंडी चीज़ नहीं चलती, जिनको नहीं चलती उन्हें ना दें। ये इस तरह देकर देख ले आप, लेकिन अगर नहीं चले तो एक अलग से नुस्खा, जिन लोगों को सिरके यूज़ नहीं कर सकते जो लोग किसी कारणवश, तो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा, दो गिलास पानी मिलाएं, और सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी, आपके पास लिखे हुए होंगे मेरे नुस्खे क्योंकि आप लोगों को भी देते हैं, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का 100-100 ग्राम लेकर पाउडर बना लें, मेथी का दाना लें और ये एक चम्मच उनको खिलाएं पाउडर, और ये पानी एक दो गिलास पानी में जो आपने नमक जैतून और ये खाने का सोडा दो गिलास पानी मिला ये पिला दिया करें दिन में बस एक बार या ज़्यादा ज़्यादा दो बार, तो ये काम वही करेगा और उनका हाजमा अच्छा, एसिडिटी को कंट्रोल करता है। ये पूरे पेट के जो सिस्टम है उस पे काम करता है, कहीं वर्म होता है तो उसे निकालता है, कहीं हजम ठीक नहीं हो तो हजम ठीक करे, मैदे की मैं अगर वर्म हो, लीवर पे वर्म हो, आंतों में वर्म हो, बवासीर हो, किडनी में प्रॉब्लम हो, लीवर में प्रॉब्लम हो, बहुत अच्छा नुस्खा है, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है हरियाणा से हमारे साथ राजू। हेलो। हेलो जी, बताइए अपना सवाल कीजिए। नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैम, मैंने ये पता करना था सर से, डॉक्टर साहब से, हेयर प्रॉब्लम है काफी, उसका सोल्यूशन बताएंगे आप जी। क्या उम्र है मरीज की? 29 प्लस है सर। अच्छा देखिए, नज़ला वगैरह रहता है तो नज़ले का इलाज करना होगा, अगर आपको नज़ला रहता है तो नज़ले का ही इलाज करें, आपके बाल गिरने बंद हो सकते हैं, और अगर ये नहीं है तो फिर समझ लीजिए कि आपके बालों को फ़ायदा हो सकता है, तो मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ। देखिए रोज़ एक नारियल पानी लें और उसमें आधा ग्राम मोरिंगा का गौन, मोरिंगा का गौन असली लेना, आधा ग्राम खाली डालकर रोज़ पी लिया करें, आपके बाल संभाले नहीं जाएंगे, इतने हो सकते हैं, लेकिन गौन मोरिंगा असली लीजिए, नारियल तो नकली नहीं मिलता, वो आप तो खुद ही तोड़ के पानी निकालते हैं। मेरे बाल गिरने लगे थे और मैं बुढ़ा हो गया हूँ, लेकिन जब भी ऐसा लगता है बाल गिरने लगे तो ये नुस्खा मैं खुद भी आजमाता हूँ और जिन लोगों को मैंने बताया उन लोगों को भी बहुत फायदा हुआ। नेक्स्ट कॉलर है ओमवती गाजियाबाद से हमारे साथ, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते, मैं ओमवती बोल रही हूँ। मैं 84 ईयर्स ओल्ड हूँ, 84 साल की हूँ मैं। जी जी जी। और मेरे परेशानी तो बहुत है, देखिए इस समय मेरे जीभ में है ना, पहले लकवा मार गया था, अब वो लकवे तो ठीक हो गए, लेकिन ऐसे लगते छाले से भर रहे हैं जीभ में सारे, इधर उधर छाले बहुत भर रहे हैं, और हर समय परेशानी रहती है जीभ में आगे के नुक्कड़ में, और वो ठीक ही नहीं हो रहे हैं। आठ महीने के करीब होने आए और सारी परेशानी होती है, मुँह में परेशानी है। अब क्या है कि मेरा जो कफ है
वो नीचे निकल के वो गले से निकलता है, मुंह से गले में आता है, मतलब पेट में भी जाता है वो, मतलब ऐसा लगता है कोई छेद सा हो गया है जीभ में। अच्छा, छाले कहाँ पर है? छाले मुंह के अंदर है? छाले मुंह के अंदर, जीभ पर, जीभ के किनारों पर। कोई दवा खा रहे हैं क्या आप? दवाई दे रहे हैं एलोपैथी, कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है। अच्छा देखिए, आपको रोज़ाना एक गम आता है, एक गोंद आता है, और आप तो पुरानी फीमेल हैं, उसे कहते हैं, बड़ा मुश्किल से मिलता है, और असली लेना वो होता है मोरिंगा का गोंद। मोरिंगा जो इसको इंग्लिश में ड्रम स्टिक कहते हैं, जो बहुत लंबी सी एक, वो आपने देखी होगी, सब्जी बिकती है जिसे सहजन भी कहते हैं, और काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो इसका गोंद आता है, मोरिंगा का गोंद कहते हैं, सहजन का गोंद भी कहते हैं। आधा ग्राम रोज़ाना पानी में मिला के आप इसे इस्तेमाल किया करें, आपके छाले भी जाएंगे और आपको दूसरे जो परेशानियां आपने बताई हैं कफ वगैरह की, उसमें भी राहत होना मुमकिन है। कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मलिक साहब है ग्वालियर से, स्वागत है आपका। लुधियाना से मैडम, नमस्ते जी। नमस्कार, लुधियाना से जी। हाँ, लुधियाना से बोल रहा हूँ। जी बताइए मलिक साहब। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब, मैं मलिक बोल रहा हूँ लुधियाना से जी। आदाब। हाँ जी डॉक्टर साहब, ऐसा है कि मेरी उम्र है इस वक्त 65+। अच्छा। और किसी तरह का कोई फिजिकली मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैंने सारी जिंदगी अपनी फिटनेस रखी है, पिछले 25 सालों से योग से जुड़ा हुआ हूँ। थोड़ी सी मिस्टेक ये हो गई है कि मैं सारी जिंदगी मैंने दोनों टाइम ब्रश किया है, सुबह को भी और शाम को, रात को सोते समय। अब थोड़ा सा गैपों, अपना दांतों में ना मसूड़ों में गैप आ गया है, जिसकी वजह से थोड़ी सी झंझनाहट सी होती है, कोई मिलेगा इसका इलाज? ठीक है। हाँ देखिए, एक बड़ा अच्छा इलाज है दांतों के रोगों के लिए, और वो एक या दो बार ही करना है, और अगर आपको लगे कि ये ठीक होने लगा तो फिर आप महीनों भी कर सकते हैं। देखिए, जो अनार आप खाते हैं तो छिलका फेंक देते हैं, ये छिलका फेंकना नहीं है, बल्कि इसका पाउडर या मंजन बना लीजिए और इससे फिर आप दांत मांजिए, तो ये आपके दांतों के लिए, उसकी मसूड़ों की मजबूती के लिए और गैप के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है। अनार लाइए, छिलके आप ले लीजिए, और उसका जो जूस है वो दूसरे घर वालों को पिलाइए, और आप मेरे ख्याल से आधा किलो भी ले लेंगे तो उसमें इतना मंजन बन जाए कि आपको कई महीने चल सके। तो आप इसे इस्तेमाल करें और खुश रहें, मेरी दुआ है आप इतनी उम्र में भी सेहतमंद हैं और सेहतमंद रहें। अगले कॉलर हैं मनीष पटना से हमारे साथ, स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी मनीष, सवाल कीजिए। हाँ, मेरा प्रॉब्लम ये है मैडम कि सांस लेने में बहुत तकलीफ होता है हमको एनी टाइम, और गले में खसखसाहट रहता है, लैट्रिन साफ नहीं होता है, यही प्रॉब्लम है बहुत 5 साल। हाँ देखिए, इस वक्त ऐसे रोगियों का अपना ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है जिनको सांस की परेशानी है। कोई दवा ले रहे हो तो लेते रहिए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीजिए, खूब गर्म, ऐसा गर्म कि जैसे चाय की चुस्कियाँ लेकर हम पीते हैं। और देखिए, अलसी सौंठ और सौंफ धनिया, अलसी सौंठ सौंफ धनिया और गोंद मोरिंगा, ये 5 चीज़ें का पाउडर बनाइए 100-100 ग्राम लेके, और पानी के साथ खाइए, और दिन में 5 बार गर्म पानी पीना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर भी जुड़ गए हैं हमारे साथ जी। नमस्कार, स्वागत है आपका।
हाँ जी नमस्ते, मेरा जी। नाम निर्मला सेन है, कोटा से बोल रही हूँ मैं। ये पूछना चाहती हूँ, मेरे जो हाथों की उंगलियां है ना, ये सुन हो जाती है कुछ काम करते करते। ठीक है जी, ठीक है। एज बता दीजिए अगर आप हैं लाइन पे तो। 40 years। हाँ देखिए, ये 40 की उम्र जो है, इसके बाद ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। अच्छा, ये ठीक हो सकती है। अगर कोलेस्ट्रॉल है तो लहसुन खूब इस्तेमाल करिए। लहसुन मैं भी 5-10 रोज़ाना खाता हूँ। एक निवाला मैं एक लहसुन रख के चबा लेता हूँ, खा जाता हूँ, फिर ऐसे एक और, फिर एक और, फिर एक और, ये आप लिया करिए। अदरक का खूब इस्तेमाल करिए अपने खाने में, ये बहुत अच्छा है। और देखिए, ऐसे सीधा बैठ के ये बहुत फ़ायदेमंद है। ऐसा जिन लोगों को भी हाथ की नसें सुन होने लगती हैं, ये लोग 2-4 मिनट रोज़ाना अगर ये एक्सरसाइज करें, और 2-4 मिनट ऐसे खूब ज़ोर से ऐसे ऐसे मोड़ें, ये भी 2-4 मिनट आप ये शुरू करेंगे तो 10 दिन में फ़ायदे की उम्मीद रखें, लेकिन कई महीने तक करें तो आप रोग मुक्त हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर है मंजू, हरियाणा से हमारे साथ। स्वागत है मंजू आपका जी। मेरे को कमजोरी बहुत लगती है और गैस बनती है, नींद नहीं आती है। मंजू आपकी एज कितनी है बेटा? मेरी 40 है सर, और मेरे हस्बैंड को भी यही परेशानी है, छाती में जकड़न होती है उनके, और कमजोर, हम सुबह उठ ही नहीं पाते, कुछ कर ही नहीं पाते, रात को हमें नींद ही नहीं आती है, सुबह उठ ही नहीं पाते, बहुत कमजोरी लगती है हम दोनों। अच्छा देखिए, मैं आप दोनों को एक ही नुस्खा बता देता हूँ जो दोनों पर असरअंदाज होना चाहिए। ये आपको घर में बनाना है, और आपसे हिदायत ये है कि आपको पिसा पिसाया नहीं मंगाना, सब रॉ मटेरियल लेना है और घर में पीसना है, घर में बनाना है, फिर इस्तेमाल करना है। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन लिख लीजिए, आपके पास पेन कलम होगा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और गौंद मोरिंगा। धनिया, सौंफ, सौंठ, अजवाइन, ज़ीरा और गौंद आता है एक मोरिंगा का गौंद, ये आपको हासिल करना है असली, और इसका पाउडर बनाइए, और दोनों पति पत्नी एक एक चम्मच सुबह और शाम खाना है गर्म पानी से, और 5 बार गर्म पानी पीना है। आज से अगर आप शुरू करेंगे तो कल से आपको इसके अच्छे नतीजे देखने में मिलेंगे, लेकिन पिसा पिसाया कुछ नहीं लेना, सब रॉ मटेरियल लेना, ये रॉ मटेरियल है, आपको फायदा होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ ऊपर वाले से। आइए बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलर से। जी नमस्कार, सावित्री जी। हाँ जी मैडम, सवाल कीजिए अपना। हाँ जी मैडम, मेरे को ना 2009 से घुटनों में प्रॉब्लम है। ठीक है, और घुटनों में गैप आ चुका है जी। डॉक्टर मुझे ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं, पर मैं ऑपरेशन करवा नहीं रही, मैं और आयुर्वेदिक दवाइयां खा रही हूँ। अच्छा, आप अपनी एज बता दीजिए। मेरी 61। अच्छा देखिए, आप 2009 से तकलीफ में हैं, और मैं चाहूँगा कि यूनानी को आप 3 महीने दें, 3 महीने, ओनली 3 मंथ्स, और जब आपको दर्द हो तो दर्द की दवा ले सकते हैं, लेकिन मैं जो नुस्खा बता रहा हूँ वो आपको 3 महीना कमोबेश लेना है। ये एकदम फ़ायदा नहीं करेगा, ये बीमारी की जड़ पर काम करता है। और एक बात और बता दूँ आपको कि ये गैप नाम की चीज़ होती नहीं है, घुटनों में गैप आता ही नहीं है, तो ऑपरेशन से ज़रूर बचें। ये दवा आपको ऑपरेशन से दूर रखेगी और आपको इस लायक कर देगी, जैसे आप एक कॉल भी आई थी कि सब डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब तुम ठीक नहीं हो सकते, और ठीक नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। उसके घर में भी डॉक्टर था, लेडी थी एक, जो मुझे बेटा बुला रही थी। तो एक नुस्खा बताता हूँ आपको, देखिए अश्वगंधा लेना है 50 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, अलसी
100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, अश्वगंधा 50 ग्राम, अलसी 100 ग्राम, मेथी 100 ग्राम, छोटी हर 100 ग्राम और गौंद स्याह लिखिए, यानी काला गौंद भी लिख सकते हैं, ये बड़ी मुश्किल से मिलता है और नकली भी मिलता है, इसको आप असली लेना है। इन सबको अपने घर में पाउडर करना है, रॉ मटेरियल लेना है सारा, कोई भी चीज़ पिसी पिसाई नहीं लेनी, अगर पिसी पिसाई ली तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। इसका पाउडर बनाएं और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम दोपहर, 1 ग्राम शाम, यानी एक कैप्सूल की बराबर आपको खाना है। 8-10 दिन मुझसे कुछ नहीं कहना, ये सोचिए कि फ़ायदा ही नहीं होगा आपको, इससे पहले भी फ़ायदा हो सकता है, लेकिन मैं मरीज से कहता हूँ कि 10 दिन तक कोई शिकायत ना करें। 1 महीने अगर खा लेंगे आप तो आप फिर छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि आपको 30-40% फ़ायदा हो जाता है अक्सर, और 3 महीने में अगर आपको कम भी फ़ायदा हुआ तो आप 4 महीने भी खा लेंगे। और ये मटेरियल जितना मैंने बताया आपको, ये ख़त्म होते होते आपकी सेहत का ठीक होना मुमकिन है। नेक्स्ट कॉलर हैं सोनू लखनऊ से हमारे साथ, स्वागत है सोनू आपका। हाँ जी नमस्कार। जी नमस्कार। आदर। जी बोलिए। मेरी उम्र जो है वो 34 साल है और मेरे ना कान में कुछ टिनाइटिस की प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है इसी साल जनवरी से, तो उसी के लिए थोड़ा सा पूछने था क्या इसका कुछ इलाज हो सकता है। क्या महसूस होता है बताएं? कान में कुछ बहुत तीखी जैसी एक आवाज सुनाई देती है। ठीक है। कान में सोने में थोड़ी सी रात में दिक्कत होती है, बाकी तरह से ध्यान ना दे तब तक तो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं तो बहुत इरिटेशन होती है। अभी बताइए आप काम क्या करते हैं? जी मेरा फाइनेंस रिलेटेड वर्क है। अच्छा, और बहुत आराम करते हैं? जी। अच्छा देखिए 2-3 बातें हिदायत दूंगा आपको, आप ठीक हो सकते हैं, पहले तो ये खुशखबरी सुनिए। और जैसे घर में हम टीवी देख रहे हैं और ऐसे करके तकिया लगा रखा है, ऐसे करके या ऐसे करके अखबार पढ़ रहे हैं, जो है ना बेड से सर लगा हुआ है और बेतरतीब बैठे, बेतरतीब बैठना बंद कर दीजिए। और एक्सरसाइज रोज़ाना 6 मिनट आपको करनी है, जो मैं आपको बताऊं। देखिए ऐसे सीधा बैठे और ऐसे 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 खूब ज़ोर से मोड़े, यहाँ तक लाएं और यहाँ देखें, ये 3 मिनट और 3 मिनट ये ऐसे। मोंडा नहीं उठना चाहिए, लोग मोंडा उठा के यूँ मिला लेते, नहीं मोंडा वहीं रहे, आप कान लेके जाइए, नहीं जाए तो कोई बात नहीं, ऐसे 3 मिनट, इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं, मैं तो इसलिए बता रहा हूँ कि आप परेशान ना हो जाएं, 3 मिनट बहुत होते हैं, घड़ी देख के करना है, चाहे 1-1 मिनट करके आप 6 बार में करें, उससे कम वक्त भी ले सकते हैं, एक तो ये। और गौंद स्याह, काला गौंद आता है एक, गौंद स्याह 0.5 ग्राम सुबह और शाम, दूध पानी या जूस से लेना है, और 30 दिन तक आपको बगैर किसी शिकायत के ही करना है, मुझे उम्मीद है कि आप पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं सीमा, स्वागत है सीमा जी आपका। हेलो। जी जी सीमा जी बताइए। जी बताइए सीमा जी। मेरे को पैरों में बहुत दर्द रहता है और पैरों की जो नसें हैं ना वो फूल रही हैं बहुत, मैंने उनका ऑपरेशन भी करा चुकी हूँ पर वो ठीक नहीं हुई ऑपरेशन के बाद भी, और रात में सोते वक्त मेरे हाथ भी सुन हो जाते हैं और हाथ में दर्द भी रहता है। अच्छा बेटा आपकी एज कितनी है? मेरी एज 38 साल है। अच्छा देखिए कुछ दिन के लिए बहुत मेहनत का काम बंद कर दीजिए, और अगर घर में वेस्टर्न टॉयलेट नहीं है तो उसका इंतज़ाम करिए, ये 2 बातें, और पोंछा लगाने जैसा काम आप मत करिए इलाज के दौरान। और एक गौंद आता है गौंद स्याह, काला गौंद कहते हैं, ये असली हासिल करें किसी भी तरह, और 0.5 ग्राम सुबह 0.5 ग्राम शाम रोज़ाना खाने के बाद खाएं,
पानी और दूध से दोनों से ले सकते हैं, और ये 100 ग्राम आप खरीद लें, और मुझे उम्मीद है कि आप इस 100 ग्राम ख़त्म होते होते आपकी सेहत ठीक होना मुमकिन है।